Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एग्जीबिशंस दिखाने एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पर लेके जाने वाली हूँ, जिसका नाम है पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क। ये पुणे में है एंड ये पिंपरी चिंचवड़ में है। तो यहाँ पर कैसे जाते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्या क्या फन एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर जाके कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पिंपरी चिंचवड़ में है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो इसके डायरेक्शन की लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा, कैब या फिर ओन व्हीकल लेके जा सकते हो। यहाँ पर आपको साइंस पार्क के बाहर भी रोड साइड पार्किंग मिल जाएगी और अंदर भी फ्री पार्किंग है, तो आप वहाँ पर भी अपना व्हीकल जो है वो पार्क कर सकते हो। अब व्हीकल पार्क करने के बाद जाते हैं इसका एंट्री टिकट लेने। तो इसका सिर्फ साइंस पार्क का जो एंट्री टिकट है उसका चार्जेस है 50 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। उसके बाद यहाँ पर एक 3D शो है एंड तारामंडल शो है। तो अगर आप 3D शो करना चाहते हो तो 3D शो का कॉस्ट है 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस एंड सेम फॉर तारामंडल। तारामंडल का कॉस्ट है 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ में देखना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आए, बिकॉज अगर आप लेट आते हो तो ये शोज जो है वो फुल हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ साइंस पार्क विजिट करने मिलेगा, ये शोज विजिट करने नहीं मिलेगा। तो टिकट लेने के बाद अंदर एंटर करते ही सबसे पहले तो हम ये साइंस एग्जीबिशन एंड एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे एंड उसके बाद हम ये शोज के बारे में देखेंगे। तो टिकट लेके अंदर जाने के बाद आप आपके शोज का टाइमिंग देख सकते हो। अगर आपके शो के लिए कुछ टाइम बचता है तो सबसे पहले तो आप ये साइंस पार्क जो है वो एक्सप्लोर करें एंड उसके बाद आप आपका शो देखने आपके टाइमिंग पर जा सकते हो। तो मैं तो सबसे पहले ये साइंस पार्क एक्सप्लोर करने वाली हूँ। अब यहाँ पर अलग अलग उन्होंने सेक्शंस बनाए हैं। तो सबसे पहले है ऑटोमोबाइल एग्जीबिशन। अब जिन्हें व्हीकल्स वगैरह पसंद है, उनके पार्ट्स के बारे में जानना पसंद है, वो तो यहाँ पर ज़रूर आए, बिकॉज ये टोटली वर्थ है एंड यहाँ पर उसके बारे में एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है, तो वो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। सबसे पहले एंटर करते ही मैंने यहाँ पर 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। ऑल्सो वहाँ पर कुछ बटन्स है, तो वो बटन प्रेस करते ही आपको वो कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आपको दिख भी जाएगी एंड समझ भी जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक कार का वाइपर कैसे वर्क करता है, देन मिरर्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, देन हॉर्न, देन फ्यूल इंजेक्टर, ऐसे कई सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है। अब अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो वहाँ पर हैवी व्हीकल्स के बारे में उन्होंने बताया है कि हैवी व्हीकल्स कैसे वर्क करते हैं एंड उनके अंदर का इंजन, उनके अंदर के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रखे हैं एंड वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी उन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताई है। और सो यहाँ पर कुछ कार्स एंड व्हीकल्स रखे हैं जिन्हें उन्होंने हाफ कट करके ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा है उसके ऊपर, सो दैट हमें दिख जाए कि उसके अंदर के पार्ट्स क्या क्या है एंड कैसे वो वर्क करते हैं। अब ये सब तो हो गया उसके पार्ट्स एंड इंजिन्स एंड एवरीथिंग उसके बारे में, जो मैंने बार बार आपको रिपीट कर करके बताया। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और फन एक्टिविटी है, दैट इज़ वर्चुअल ड्राइविंग। यस, आप यहाँ पर आके अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है एंड आपके किड को अगर आपको ड्राइविंग कराना है वर्चुअल ड्राइविंग, तो उसका एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर आके उन्हें दे सकते हो। उसका कॉस्ट है सिर्फ 50 रुपीज़ फॉर 10 मिनट्स एंड यहाँ पर 1 to 5 पीपल एक टाइम पे कार में वो बैठ सकते हैं एंड इस वर्चुअल ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हैं। अब आफ्टर ऑटोमोबाइल एग्जीबिशन अब जाएंगे नेक्स्ट एग्जीबिशन देखने, दैट इज़ एनर्जी एग्जीबिशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको काफ़ी कुछ एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ बटन्स दिए हैं, तो आप वो बटन प्रेस करके सामने जो भी एग्जीबिशन है वो प्रॉपरली देख सकते हो, समझ सकते हो एंड उसी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे क्विज भी रखे हैं। तो अगर आप ग्रुप में आते हो तो 4 जन एक साथ ये क्विज जो है वो खेल सकते हो।
क्विज में आपको सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आप चार ग्रुप में डिवाइड हो जाते हो एंड आपको सिर्फ यहाँ पर जो तीन बटन दिए हैं उसमें से कोई भी एक जो आपका आंसर होगा वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये भी एक फन एक्टिविटी यहाँ पर है जो आप कर सकते हो। आफ्टर एनर्जी एग्जीबिशन एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पर कुछ और भी फन साइंस एग्जीबिशन है जो आप देख सकते हो एंड वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो जो स्पीड के रिलेटेड है, देन साउंड के रिलेटेड है एंड ऑल्सो यहाँ पर आपने जो साइंस में सीखा होगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो करने मिलता है। तो अगर आपके किड्स स्कूल में वगैरह पढ़ते हैं तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप उन्हें एक बार यहाँ पर ज़रूर लेके आए। ये सारी एक्सपेरिमेंट्स एंड इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद उन्हें साइंस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा एंड काफ़ी कुछ उनके डाउट्स जो है वो भी यहाँ पर आके क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर ऑल दिस इंडोर साइंस एग्जीबिशन बाहर एक साइंस गार्डन है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो। वहाँ पर भी कुछ फन एक्टिविटीज़ आपको करने मिलेगी। आप अगर यहाँ पर एक आवाज़ देते हो तो आपको दूसरे साइड वो सुनाई देगी, तो ये साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। देन यहाँ पर एक ग्रेविटी चेयर है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो एंड ग्रेविटी के बारे में समझ सकते हो। देन वेट एंड स्पीड के बारे में भी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद कर सकते हो एंड उसके बारे में जान सकते हो। एंड ऑल्सो एक और फन एक्टिविटी है दैट इज टग ऑफ वॉर, जिसमें कोई भी एक जन विन हो जाएगा, तो वो भी कैसे होता है एंड क्यों ऐसा एक जन विन हो सकता है वहां पर, उसके बारे में भी आपको वहां पर जाके डिटेल में जानने मिल जाएगा। अब आफ्टर दी साइंस एग्जीबिशन एंड साइंस गार्डन आप आपके शोज देखने जा सकते हो। यहाँ पर दो शोज है, एक है 3D शो एंड एक है तारामंडल शो। मुझे दोनों भी शो का टिकट जो था वो नहीं मिला, बट लास्ट मोमेंट पे मुझे वहाँ पर 3D शो का टिकट जो है वो मिल गया। तारामंडल शो मुझे देखने नहीं मिला तो मैं गई 3D शो देखने। 3D शो में वो आपको 3D ग्लासेस दे के एक छोटा सा 3D मूवी दिखाते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है फॉर योर किड्स। अगर बड़े वहाँ पर जाते हैं तो बड़ों के लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा एज बड़ों ने 3D मूवीज वगैरह ऑलरेडी देखे हुए रहते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड जितने भी वहाँ पर किड्स थे उन्होंने सभी ने ये 3D मूवी जो था वो बहुत ही इंजॉय किया। आफ्टर 3D शो आप जा सकते हो तारामंडल शो देखने। तारामंडल शो में ये जो आप स्पेरिकल देख रहे हो ये एक कपड़े का है, उन्होंने बनाया है एंड उसके अंदर जाने के लिए आपको आपके शूज जो है वो बाहर निकालने होते हैं एंड अंदर जाके आपको नीचे बैठना होता है। अंदर बैठने के बाद वो आपको स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट, इन सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो बताते हैं। सो आफ्टर एवरीथिंग ऑल दी शोज एंड एग्जीबिशंस देखने के बाद अगर आपको भूख लगी होगी तो यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन है जहाँ पर आप छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह खा सकते हो एंड ऑल्सो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये था पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क। मुझे तो साइंस पार्क काफ़ी पसंद है बिकॉज वहाँ पर जाने के बाद आपको कई सारे न्यू चीज़ें जो है वो सीखने मिलती है एंड वो एक्सपेरिमेंट्स करने में भी एक अलग ही मज़ा आता है। तो अगर आप भी पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क जाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वहाँ का सबसे फेवरेट एग्जीबिशन था ऑटोमोबाइल वाला, बिकॉज वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ उसके बारे में सीखने मिला। तो ऐसे ही अगर आपका भी कुछ फेवरेट एग्जीबिशन होगा जिसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा वहाँ पर जाने के बाद, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगी। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।